मैं ग्राम तुमड़ी कन्हैया गुप्ता यहाँ का निवासी रहने वाला हूँ। छोटा सा परिवार, छोटा सा किसान, बहुत मेहनत करते करते कमाते कमाते आके आज इतना आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ मेरे को कई आदमी बोले कि एक आध ट्रैक्टर ले ले, इतना कमा रहा है, कर रहा है। महिंद्रा 475 पहले लिया और उसमें जगह बहुत कम था, लंबाई कम था, तो घाट उट में बालू लेने जाने में उठता था भी, तो उसके चक्कर में उसको बेच दिया। उसके बाद 241 मेसी लिया और मेसी बहुत चलता है बोल के मेसी को ख़रीदा, तो फिर अच्छा चला उला के देखे तो सर जब हल हल चलाने से पूरा उसका नीचे पूरा दब जाता था, छू जाता था, उसके चलते मेसी को बेच दिया। तो जाके फिर एक तो सोनालिका लाए और उसमें कमाया, मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला मस्त। सोनालिका ट्रैक्टर इसका चक्का उक्का सब हाइट है, बहुत हेवी है, बढ़िया, और बैठने का जगह ही बढ़िया है, पावर स्टीयरिंग है, ब्रेक व्रेक लगाने में सब चीज़ में ठीक है। जो भी कुछ भी छोटा छोटा सा चीज़ होता है, कुछ ख़राब होता है, तो तुरंत फ़ोन करने से तुरंत आके मेंटेनेंस भी करते हैं। सोनालिका ट्रैक्टर में डीजल कम पीता है और रोटावेटर भी चलाता है, हल भी चलता है, तो बहुत ताकत है, बहुत पिकअप है। तो जब जब अपना नया नया लंच करते गया तब तक एक 8 ट्रैक्टर खरीदते गया। आज मेरे पास कम से कम 15 ट्रैक्टर है सोनालिका का, और कभी मेरे को तकलीफ हुआ नहीं है। और सोनालिका ट्रैक्टर में आज बहुत मैंने मेहनत किया, बहुत कमा रहा हूँ, उसी में आज अपना इतना पूंजी कमा लिया हूँ, कर लिया हूँ कि मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन था, 5 एकड़ ज़मीन से आज मेरे पास 15 एकड़ ज़मीन हो गया है, और घर द्वार भी बना के अपना बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई पोषण पालन सब चीज़ बढ़िया तरीक़ा में कर रहा हूँ, और आगे कमा लिया हूँ। आज मेरा तुमड़ी में 50 लाख का मकान है, और रायगढ़ में मेरा बच्ची के लिए 20 लाख का मकान वहाँ खरीद दिया हूँ, और नाती नतनी लोग मेरा अच्छा स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे लोग पूरा, और मेरे लिए खुद बैठने के लिए डस्टर रखा हूँ, मेरा लड़का के लिए खुद बुलेट खरीद दिया हूँ, मैं खुद बैठता हूँ, बाइक जाता हूँ, तो एवेंजर रखा हूँ। धीरे 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 मेहनत करते करते कमाते कमाते आज मेरे पास 2 JCB भी है, 2 JCB। उसके बाद में उससे आगे और धंधा सोच के आज 2 डंफर भी रखा हूँ, कमा रहा हूँ, है ना। और ट्रैक्टर भी मेरे को इतना, आज मेरे ट्रैक्टर बरसात में भी खड़ा नहीं रहता है, जब भी देखो कमा रहा हूँ, जब भी कमा रहा हूँ, है ना। मेरे विचार में ये मैंने ये है कि कोई भी किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए सोचे तो खाली सोनाली का ही खरीदना चाहिए और ख़रीदे। ये मेरा कमाओ बेटा है।